होशंगाबाद जिले के केसला ब्लॉक में बने सरकारी उत्कृष्ट विद्यालय में एक शिक्षक के प्रयास को पूरे जिले में सराहना मिल रही है। दरअसल इस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक राजेश पाराशर ने अपने दो सहायक शिक्षकों के साथ मिलकर महज 72 घंटे के भीतर एक ऐसा पार्क तैयार किया है जो आदिवासी जननायकों की वीर गाथाओं का बखान करता है। शिक्षकों के बनाए इस पार्क में आदिवासी जननायक टांटिया भील, बिरसा मुंडा, महाराजा शंकर शाह, आर राजकुमार, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती तथा राजा भभूति के वाटरप्रूफ कटआउट और उनकी शौर्य गाथा देखने को मिल रही है। शिक्षकों ने खुद के खर्च पर इस पार्क का निर्माण किया है। पार्क को तैयार करने में शिक्षक राजेश पाराशर का कहना है कि केसलम एकमात्र ऐसा विकास खंड है जो कि आदिवासी बाहुल्य है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी लगभग 60% आदिवासी हैं। आदिवासी जननायकों का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा, उनके महत्व को बताने के लिए पार्क का निर्माण किया गया है। सहायक शिक्षक MS नरवरिया के मुताबिक अभी तक इस तरह की जानकारियां छात्रों की किताबों में ही मिल पाती थीं, लेकिन पार्क में आने वाले बच्चे उन्हें देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे तो उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा। इस पार्क को बनाने में करीब 90,000 रुपये खर्च हुए हैं, जिसमें से 20,000 रुपये स्कूल की ओर से दिए गए हैं। पार्क को जो बनाया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे रिकॉर्ड हैं महापुरुषों के, इनके जीवन परिचय भी यहाँ पर बताया गया है, जो कि बच्चे अभी किताबों में ही केवल पढ़ते थे और देखते थे। आज उनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि साक्षात यहाँ पर जो है कहना जो सपूत लोग हैं वहाँ पर हैं, उनके बारे में जब वो बच्चे पढ़ेंगे तो उनका काफ़ी नॉलेज भी बढ़ेगा और उनके सिलेबस से रिलेटेड है उसमें काम भी आएगा। इसलिए आदिवासी बहुल क्षेत्र है और कुइसला का ये उत्कृष्ट विद्यालय है। उत्कृष्ट विद्यालय के अधिकांश बच्चे आदिवासी समाज के हैं और छात्रावास में रहने वाले हैं। इन बच्चों को आदिवासी समाज के जननायकों का जो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा है उसको बताने की दृष्टि से इस पार्क का निर्माण किया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।